तो चलिए अनबॉक्स किया जाए। सैमसंग का फ्लैगशिप फोन है और ये देखिए जादू, बहुत ही खूबसूरत फोन है दोस्तों। क्या कलर है, बहुत ही शानदार कलर है। ये देखिए, व्हाट अ ब्यूटी बाय सैमसंग। तो चलिए अब हम लोग बूट अप करते हैं S23 Ultra की। दोस्तों मेरे हाथ में है ये सैमसंग का S23 Ultra क्रीम कलर 12GB 256GB वेरिएंट। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या क्या इसमें खासियत है। शॉर्ट्स में वीडियो होगा क्योंकि डिटेल वीडियो बाद में आएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके लुक एंड फील की। दोस्तों क्या शानदार फ़ोन है, बहुत ही शानदार फ़ोन है। ये जो फ़ोन है एकदम फ्लैट है, सेम S22 Ultra के जैसा ही है। बट डिफरेंस क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। डिफरेंस दोस्तों ये है कि ये जो फ़ोन है एकदम से फ्लैट है, साइड से फ्लैट है, जो कि S22 Ultra जो था थोड़ा कर्व फोन आता था, जिससे कि हल्का फुल्का फिसलने का चांस ज़्यादा होता था। उसके बाद दोस्तों ये जो इसका जो डिस्प्ले है माइनर सा कर्व है फ्लैट, जिससे कि अगर ये जो सबसे बड़ी USP है एस पेन, इसको अगर यूज़ करना है तो होता था कि कभी कभार एक्सीडेंटल टच में सही से काम नहीं करता था। बट ये जो है बहुत ही शानदार काम करता है और इससे है कि हम लोग पूरे स्क्रीन का जो है लगभग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो एक डिफरेंस ये आ जाती है। प्लस है पकड़ने बहुत कॉम्पैक्ट है। साथ ही साथ बाकी जो स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें दोस्तों 8 Gen 2 है। S22 Ultra में 8 Gen 1 था, उसी का प्रोसीजर है जो कि S8 Gen 2 प्रोसेसर है, जो कि लगभग 1 मिलियन तक का एंटीटू स्कोर देता है। बहुत ही फास्ट है दोस्तों, बहुत ही फास्ट है। उसके बाद मेनली जो सेकंड जो ऑप्शन है, सबसे बड़ा डिफरेंस है ये जो इसके कैमरे में आता है। दोस्तों कैमरा का जो सेंसर है थोड़ा बड़ा किया गया है, आप जैसा कि देख सकते हैं बम्प थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसमें आपको जो प्राइमरी कैमरा वो 200 मेगापिक्सल है। S22 Ultra में 108 था, इसमें 200 है। साथ ही साथ 10 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल है और 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो है। साथ ही साथ ये जो है आपका अल्ट्रा वाइड है 12 मेगापिक्सल। फ्रंट में आपका 10 मेगापिक्सल का सेल्फी है। यहाँ सेल्फी में थोड़ा सा पिछड़ जाता है क्योंकि S22 Ultra जो है इसमें जो सेल्फी था वो 40 मेगापिक्सल का सेल्फी था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। तो अब दोस्तों इसमें जो है एक दो एडिटिंग में इतने अच्छे फ़ोटो में इतने बढ़िया बढ़िया मोड है। यहाँ पर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे नाइट मोड जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर दिया गया है। पोर्ट्रेट वीडियो, डायरेक्टर, सिंगल टेक, हाइपरलेक्स, ये सब सारे चीज़ है। बट जो स्टेबलाइजेशन है वीडियो में वो काफ़ी शानदार किया गया है। आप जैसे कि देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो है बहुत ही शानदार है। यहाँ पे आपका सुपर स्टडी मोड है जो कि डे लाइट के लिए या आपके पास सफिशिएंट लाइट है तो बहुत ही शानदार काम करता है और जो फ़ोटो जो है बहुत बढ़िया लेता है, बहुत शानदार ये फ़ोटो क्लिक लेता है। यहाँ पे मैंने 200 मेगापिक्सल पे किया है, जिससे कि पोस्ट प्रोसेसिंग थोड़ा टाइम लगता है, बट जो फ़ोटो की डिटेल आती है दोस्तों बहुत ही शानदार आती है। जैसे आप देख रहे हैं, अब जैसे ये देखिए, इसका जो एक एक सब्सटेंस है बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हैं बहुत शानदार डिटेल के साथ आता है। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं, फोटोग्राफर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आपको बड़े बड़े DSLR ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक नॉर्मल केस में कह रहा हूँ, ये फ़ोन आपके सारे काम कर देगा। जो है 200 मेगापिक्सल का फ़ोटो है जो कि S23 Ultra में लिया जा चुका है। अब ये दोस्तों पोस्ट प्रोसेसिंग हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में पोस्ट प्रोसेसिंग हो रहा है, जिससे कि डिटेल आएगा। अभी इसको हम लोग जूम करते हैं, क्या शानदार डिटेल है दोस्तों, बहुत ही शानदार डिटेल है। तो आप बिल्कुल इस फ़ोन को चूज़ कर सकते हैं, बहुत ही शानदार फ़ोन है ये।